हेलो दोस्तों, अगर आप अच्छी अच्छी वीडियो पाना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही इस टली को बजा दें ताकि सबसे पहले मेरी वीडियो आपके पास पहुंचे। पैरानॉर्मल सुपरनेचुरल मतलब पैरानॉर्मल एक्टिविटी, ये शब्द अपने आप में आपने बहुत सुने होंगे, लेकिन इसका अर्थ अलग अलग रूप में प्रयोग किया जाता है। पैरानॉर्मल एक्टिविटी अलग अलग होने के साथ ये वास्तव में जब इंसान के साथ ऐसी घटनाएं होती हैं और उसका कुछ भी नहीं पता लगता कि क्या हुआ है, तो इसे ही पैरानॉर्मल एक्टिविटी कहते हैं। लेकिन इसका कोई और भी अर्थ है, लेकिन मैं इस बात पर चर्चा जरूर करूंगा कि एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब विज्ञान पैरानॉर्मल घटनाओं को समझ आएगा और फिर ये घटनाएं पैरानॉर्मल नहीं रहेगी। बहुत सारी घटनाएं थी जो पहले पैरानॉर्मल मानी जाती थी, लेकिन जैसे ही विज्ञान ने उन घटनाओं पर रिसर्च करके उन घटनाओं को समझा, वे घटनाएँ पैरानॉर्मल नहीं रही। और ये दोनों शब्द, इनसे जुड़ी घटनाएँ कैसे एक दूसरे से अलग होती हैं, तो आते हैं मेन मुद्दे पे। पैरानॉर्मल एक्टिविटी किस किस के साथ हुई? तो दोस्तों, ये बहुत से लोग हैं जिन लोगों के साथ पैरानॉर्मल एक्टिविटी हुई है। मैं आपको एग्जांपल के तौर पर एक वीडियो ज़रूर दिखाऊंगा, जिससे कि आप समझ जाएंगे। दोस्तों, पैरानॉर्मल एक्टिविटी जब आप रात को सोते हैं, कभी कभार आपका पाँव या कुछ भी लड़खड़ाने लगता है, लेकिन आप समझ नहीं पाते कि मेरे साथ क्या हो रहा है। और भी ऐसी घटनाएं होती हैं जिसके बारे में आप बिल्कुल भी नहीं बता सकते। एक रात की 12 बजे की वीडियो है, इसमें आपको पैरानॉर्मल एक्टिविटी के बारे में पता चलेगा, और ये वीडियो एंड तक देखना। अगर दोस्तों आपने वीडियो एंड तक देखा तो आपको दरवाजे के अगली तरफ आपको चीज़ नज़र आती होगी, ये भी एक पैरानॉर्मल एक्टिविटी कह सकते हैं। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा? आज के लिए सिर्फ इतना। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक ठोक देना और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि कैसा लगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।